Subscribe Tag TV YouTube channel and press the notification button. बड़ा एक पॉजिटिव डिसीजन है गवर्नमेंट का, जिस हिसाब से इसका स्प्रेड हो रहा है, जिस तरह से फैल रहा है पूरे के पूरे जम्मू में, तो एक यही एक प्रिवेंटिव मेजर है जिससे कि मैक्सिमम नंबर ऑफ लोगों को पता चल जाएगा और गवर्नमेंट उनको रिस्ट्रेन कर देगी घर पर रहने के लिए या उनको मेडिकल फैसिलिटीज में डालेगी, तभी जाके इसका स्प्रेड रोका जाता, अदरवाइज तो ये मल्टीपल से फैलता जाएगा। ये तो अच्छा ही हो रहा है ना, क्योंकि हमें अभी एक किस्म का महामारी का ये प्रकोप आ गया हुआ है। अगर हम अवेयर नहीं होंगे इस चीज़ को, ठीक है, हमें पता नहीं है कि हमें पॉजिटिव है कि नहीं है, ऊपर से गवर्नमेंट का इतना अच्छा इनिशिएटिव है कि वो फ्री ऑफ टेस्टिंग भी करवा रही है ताकि हमें पता चले, हम भी अपने आप को अवेयर करें और इस बीमारी से बचने की कोशिश करें, ट्रीटमेंट लें उससे और ना आगे फैलने के लिए भी रोके उसे। लगता है लोगों को आगे आना चाहिए सर, बिल्कुल आना चाहिए ताकि जितने मैक्सिमम लोग आएंगे उतना पता चलेगा कितने कि उनकी बेसिकली उनकी सेफ्टी के लिए है ना ये। ऑनलाइन क्लास में चंद बच्चे हमारे पास आ रहे थे जो हमारे लिए बहुत मुश्किल था। एक तरफ सिलेबस का दबाव होता है, दूसरी तरफ बच्चों की तरक्की का मसला होता है, उनको कुछ मिलना चाहिए था, उन्हें कुछ प्रोग्रेस उनमें प्रोग्रेस होनी चाहिए थी, जो हमारे लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। इसको कूप अप करने के लिए हमने कम्युनिटी क्लास स्टार्ट की है। It was optional, it was imperative upon us to conduct class in such a way so that we can take care of the COVID problem and side by side we should deliver our lessons and lectures in such a way so that it will become effective for our students. And as such,
how we are maintaining distances, how we are maintaining, we have kept the classes confined to these plain areas in which these areas are spacious, having the ample air circulation, and plus all the SOPs are being maintained by our students. मोबाइल में जब ऑनलाइन क्लासेस दे रहे थे सब बफरिंग आ रही थी उसमें, इसलिए सर हमारे जहाँ की कम्युनिटी है उसने सर ये इसने ये कदम उठाया कि हमारे टीचर के साथ बात की है सर, अब हम यहाँ पे प्लेन्स में ये क्लास दे रहे हैं, इसलिए हम ये एक अच्छा कदम उठाया हमारे टीचरों ने सर, ये बहुत दूर से आ रहे हैं। बादाम का फसल इस साल इसकी गिरी भी बहुत अच्छी थी, और इस साल जो इन्होंने सित की वजह इनकी जो इसकी वजह से भी ना इस साल फसल बहुत अच्छी है, इस बाग की भी बहुत फसल अच्छी है। तो फसल थोड़ा है कम है क्वालिटी, मगर क्वालिटी बहुत अच्छी है, क्वांटिटी कम है मगर क्वालिटी बहुत अच्छी है इस बार। तो दूसरी बात यह है कि मौसम भी अच्छा रहा इस बार, चलो इसको इतनी बारिश भी नहीं चाहिए थी, इनका अपना इरिगेशन भी था इस वक्त फसल इस वक्त बहुत अच्छी है। तो कश्मीर का जो बादाम है इसमें कितनी अच्छी डिमांड रहती है क्वालिटी की वजह से, इसको हर जगह पसंद है? हर वक्त इसमें एक्चुअली जो है ना बहुत ऑयली होता है, जो कश्मीर का बादाम माना जाता है क्योंकि ऑयली बहुत होता है। जो प्रेजेंट अब ऑर्चिड्स में है उसकी वैरायटी बहुत अच्छी आई हुई है, क्योंकि अंदर ऑलमंड्स के अंदर कर्नल्स जो है बहुत अच्छी आ रही है, और स्पेशली इस CITH के जो ये ऑर्चिड्स है इसकी वैरायटी सबसे बेस्ट रहती है, क्योंकि इसमें कर्नल्स की जो है ये एकदम मीठा रहता है, और स्पेशली इसमें खास ये बात यह है कि इसमें कड़वा कोई भी नहीं होता है, जो हमें आगे प्रमोट करने में बहुत अच्छी एक्सपीरियंस रही है कि मतलब कस्टमर्स की कोई कंप्लेंट नहीं आ रही है। इसके साथ में मतलब बहुत सारे लोग जो है बिजी रहते हैं, जैसे रोज़गार मिल रहा है, लेबर्स हैं, डीलर्स हैं, और कुछ मतलब घर वाले भी इसमें इसके साथ शामिल रहते हैं। नहीं, इस साल तो आलमंड की क्वालिटी बहुत अच्छी आई है, इसकी एक मखसूस वजह यह है कि इस साल बारिश भी कम होगी, जब बारिशें ज़्यादा हो जाती है तो आलमंड में एक खदशा रहता है कि इसमें थोड़ी सी गमोसिस होती है। तो हमारे पास यहाँ पे 10 वैरायटीज़ है जो हमने लार्ज स्केल पे यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन रखा है, जीन बैंक रखा है, जिसमें से एग्जॉटिक वैरायटीज़ बाहर से कुछ मंगवाई है, 7 वैरायटीज़ जो थिन शेल्ड होती है हाथ से टूटने वाली, जो अपना खास बादाम होता है कैलिफोर्निया जिसको हम कहते हैं, जो बाहर से अमरीकन लाते हैं उसके कंपेरिजन में बहुत अच्छी वैराइटीज़ है वो जो हमने लाई है। उसके अलावा जो स्कास्ट ने, जो शालीमार यूनिवर्सिटी ने 3 वैराइटीज़ बहुत अच्छी उन्होंने डेवलप की है, शालीमार, वारिस और मुखदूम, वो भी उसका भी जीन बैंक हमने यहाँ पे बनाया है। ये सारी वैरायटी जो है इनका नेचुरल टेंडेंसी, इनकी क्वालिटी खुद ही अच्छी है, क्वालिटी अच्छी होना
होने का मतलब ये है कि सबसे पहले जो उनका शेल है वो थिन शेल्ड है और उनकी जो गिरी है वो मीठी गिरी होती है। लोग और 8 गुरु, 7 गुरु साहब के स्वरूप, गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की स्वरूप, ये हमारे परिवार जो 182 आए हैं, ये वो परिवार हैं जो अफगानिस्तान से हिंदू सिख परिवार हैं, जिनको भारत सरकार के हमारे आग्रह करने पे लॉन्ग टर्म वीजा दिया गया। इनको यहाँ रहने का इंतजाम दिल्ली से गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी कर रही है। इनको यहाँ लाने के लिए WPO वर्ल्ड पंजाबी ऑर्गेनाइजेशन ने प्राइवेट प्लेन भेजा था और इन सबको तब तक यहाँ संभाला जाएगा जब तक इनके अपने कारोबार और इनके अपने घर बार का इंतजाम नहीं होता। इसके साथ बहुत सारी हमारी संस्थाएं, दिल्ली की सिख संस्थाएं, अफगानिस्तान सिख संस्थाएं, अमेरिका से सिख संस्थाएं और WPO जैसी लोग और बड़े इंपॉर्टेंट लोग इसमें जुड़े हैं, जिनके कारण हमारे ये परिवार यहाँ वापिस आने में कामयाब हुए। हम इनको भारत सरकार की तरफ से जहाँ हमने इनको वेलकम किया है, वहीं हमने इनको ये भी आश्वासन दिया है कि इनको भी यहाँ की नागरिकता, जैसे कि हमें अमित शाह गृह मंत्री जी ने आश्वासन दिया था कि मैं इन सबको नागरिकता भी दूंगा और यहाँ पे रहने में इनको कोई दिक्कत ना, इसकी हम चिंता करेंगे। अफगानिस्तान काबुल में जो गुरु हराय साहब जी गुरुद्वारे अटैक होया, 25 बंदे साढ़े शहीद हो गए, तो उस तो पहले जो जलालाबाद में अटैक होया 14 बंदे साढ़े शहीद हो गए, तो हुण उत्थे रहना साढ़ा बड़ा मुश्किल है।